हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी आपने कई बार बनाई होगी, कई तरीक़ों से बनाई होगी। एक बार इस तरीके से बनाकर देखो, बिल्कुल मटन चिकन से भी ये ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगी। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है दोस्तों। बनाना बहुत ईजी है और बहुत ही स्वादिष्ट ये बनकर तैयार होती है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है कटहल। कटहल को टुकड़ों में काट के अच्छी तरीके से धो लिया है। इस तरीके से मार्केट में भी कटहल काट के मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी आप कटे कटाए ला सकते हो। इसे मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है दो बड़े साइज के प्याज। इसे भी अच्छे तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो चलिए पहले इसे हम काट लेते हैं। जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से काट लिया है। अब हमें लेना है कुछ अदरक और लहसुन के टुकड़े, इसे हम कूट लेंगे। तो चलिए इसे कूट लेते हैं। अदरक लहसुन को कूट के मैंने इस तरीके से इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। चलिए अब गैस ऑन करते हैं। ऑन कर लिया है, कढ़ाई चढ़ा ली है, गर्म होने देते हैं इसे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, डालेंगे इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, डाल देते हैं इसमें अपने कटहल। अच्छी तरीके से हमें फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी बन के सब्जी ये तैयार होती है दोस्तों। बिल्कुल आपको चिकन का टेस्ट देगी, बहुत ही मज़ेदार लगती है। बनाकर जरूर ट्राई करना दोस्तों। वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। इसे फ्राई होने देते हैं। कटहल हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अच्छी तरीके से हमें इसे भूनना है ताकि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आए। ये भून चुके हैं, गैस को हम बंद करते हैं। कढ़ाई को हमने हटा लिया, मैंने चढ़ाया है कुकर। सब्जी हमारी कुकर में बनेगी। गर्म होने देते हैं इसको भी। कुकर हमारा गर्म हो चुका है, डाल देते हैं इसमें सरसों का तेल। इसे सरसों के तेल में ही बनाएं, इसमें इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। ऑयल गर्म होने देते हैं। हमारा गर्म हो चुका है, अब डालेंगे इसमें हम कुछ खड़े मसाले, जीरा, दालचीनी, तेजपत्ता, हरी मिर्च, जो भी आपके पास खड़े मसाले हो आप इसे डाल दें। मसाले हमारे चटक चुके हैं, आप चाहें तो हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं। मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब डाल देते हैं इसमें अपने प्याज। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है दोस्तों, बिल्कुल नॉनवेज का टेस्ट देगी। बना के जरूर ट्राई करना, कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। प्याज के साथ ही हम यहाँ डाल देंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इससे हमारा जो प्याज है जल्दी गलेगा, जल्दी ब्राउन हो जाएगा। प्याज हमने इस सब्जी में ज़्यादा डाला है, बहुत ही बढ़िया लगता है इस तरीके से ये। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होता है दोस्तों। प्याज को गलने देते हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे होने देते हैं। प्याज हमारे थोड़े छोटे होना स्टार्ट हो गए हैं। इस स्टेज पर डाल देते हैं हम इसमें अदरक और लहसुन का जो पेस्ट हमने कूट के तैयार किया है। साथ में इसको एक दो मिनट और भून लेते हैं, जब तक प्याज हमारा अच्छी तरीके से गल नहीं जाता।
प्याज हमारा सॉटी हो गया है। अदरक और लहसुन का भी हमें पेस्ट हमने हल्का भून लिया है। अब अच्छी सी खुशबू आने लगी है। इस स्टेज पर डाल देंगे हम इसमें कुछ मसाले, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। इसके अलावा जाएगा हमारे इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इसके साथ ही मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा मीट का मसाला। ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं। मीट के मसाले की जगह आप चिकन मसाला या फिर किचन किंग या फिर मैगी मसाला भी डाल सकते हो। इस तरीके से थोड़ा सा 1 चम्मच डाल देने से क्या होता है ना कि आपकी सब्जी के टेस्ट है ना काफ़ी इन्हेंस होता है। बहुत ही बढ़िया सब्जी आपकी बनकर तैयार होगी, अलग ही टेस्ट देगी, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है दोस्तों। किसी भी रेस्टोरेंट होटल वगैरह में इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा मसाला डाल देते हैं जिससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। मसाले हमने सूखे डाले हैं इसीलिए डाल दूंगी मैं इसमें थोड़ा सा पानी। अभी पानी ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ मसालों को भूनने के लिए डालना है। मैंने सब्जी में ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, कम ऑयल में ही हम टेस्टी सब्जी बनाएंगे दोस्तों। ऑयल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मैं किसी भी सब्जी में ज़्यादा ऑयल नहीं डालती लेकिन फिर भी सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से बना कर देखो, टेस्टी सब्जी बहुत ज़्यादा बनेगी। अगर आप ज़्यादा ऑयल खाते हो तो ऑयल डाल सकते हो लेकिन कम ऑयल में भी सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हो सकती है। इस तरीके से बनाकर देखो, बनाने के बाद खाने के बाद आप मुझे कमेंट करना आपकी सब्जी कैसी बनी थी और कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है दोस्तों, बिल्कुल आपको ये नॉनवेज का ही टेस्ट देगी। अच्छी तरीके से मसालों को हम भून लेंगे। मसाले हमारे थोड़े 2-3 मिनट भून चुके हैं। अब मसालों के साथ ही हम अपने कटहल भी इसमें डाल देते हैं और साथ में डाल के 2-3 मिनट इसे वापस भुनेंगे। जितना भुनोगे इसका टेस्ट उतना बढ़िया आएगा दोस्तों, तो भुनने में कंजूसी नहीं करनी है। अच्छी तरीके से हमें इसे भुनना है। 2-3 मिनट तक हम इसको मसालों के साथ भून लेंगे। बहुत ही स्वाद बनकर तैयार होती है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। सब्जी हमारी भुन चुकी है, डाल देते हैं हम इसमें पानी। देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है इसका। बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं ऐड करना है। बस इतना कि हमारी सब्जी इसमें डूब जाए, इतना ही पानी हम डालेंगे। बहुत पतली ग्रेवी हमें नहीं चाहिए। तो हम कर देते हैं सेट। 3 से 4 सीटी हम इसमें लगने देते हैं। हमारी सीटी दे चुकी है, ठंडी हो चुकी है, इसे खोल के देखते हैं। वाओ सुपर, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी हमारी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार लगती है दोस्तों ये, बनाकर ज़रूर से ट्राई करना। कैसा लगा कमेंट पे बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।